वेलकम टू माथेरान। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीनियर राइडर मुंबई में। सो आज हम जा रहे हैं, टाइटल में लिखा ही है तो बता ही देते। तो आज हम जा रहे हैं माथेरान, और ये बारिश को शुरुआत हो चुकी है, हम भीगने लगे हैं। अरे यार, अभी चालू नहीं किया, बारिश चालू, क्या करे, जोरदार बारिश चालू हो गई है। अभी विंडशील्ड पहनना पड़ेगा और गोप्रो निकालना पड़ेगा इंट्रो स्टार्ट करते ही। ये हाल है, आगे माथेरान जाते जाते कैसे कैसे होने वाला है मालूम नहीं, देखते हैं। तो फाइनली पाउस थांबला है, आणि मी परत एकदा चालू केलंय। सो आज आपण जात आहोत माथेरानला। जरा आज संडे राईड, आजची एक शॉर्ट राईड करायची होती, म्हटलं एक माथेरान एक जवळ आहे, कारण की आपण लास्ट टाईम एक तामिनी घाट केला होता आणि यावेळी ठरवलेलं होतं की माळशेज घाट करूया, पण माळशेज घाट थोडा लांब होता आणि खूप जास्त लेट होईल, त्याच्यामुळे एक शॉर्ट राईड म्हटलं जवळच्या जवळ। लोणावळा तर भरपूर गेलं, टायगर पॉईंट झाला आहे, पावना लेक झाला आहे, सगळं झालं आहे। सो म्हटलं आता एक जवळचं डेस्टिनेशन, तिकडे ट्रॅकिंग नसेल काही नसेल, सो तिकडे आपण जाऊ। कितना भी ट्राय करो शूट करणे का, शूट होई नाही पा रहा है, पूरा मिट्टी उड रहा है, कीचड उड रहा है, ये फोर व्हीलर वाले सब ऐसा पूरा जोर लगा के उड़ा रहे। अभी क्या बोल सकते हैं बारिश के टाइम में, अपने को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जेएनपीटी हाईवे पे। अभी जेएनपीटी हाईवे से अपने को जाना है कोपोली रोड। आज बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि जल्दी किसको है। मैंने एक जुगाड़ ढूंढा है, मैं मस्त इसके ऊपर थैली लगा के ये रबर बैंड डाल के प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, वाटर प्रूफ। बारिश आ रहा है जा रहा है, बार बार वो थैली लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, अरे तू मत चिकल उड़ा। थोड़ा सा ये वाले स्पीड ब्रेकर में डेंजर रहता है। हाँ, तो आपको अगर ये वाला व्यू पसंद आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट करना एक बार, तो मैं ऐसे व्यू ही रखूंगा। ये अभी मैंने हाइपर व्यू में डाला है क्योंकि बाइक में कैसा इधर तक रहता है डैशबोर्ड अपना और हैंडल रहता है, स्कूटर का थोड़ा डाउन है, इसके लिए मैंने हाइपर व्यू चालू किया है ताकि आपको स्कूटर और रोड एक मस्त दिखे। सो फाइनली हम ग्रीनरी के पास पहुंच चुके हैं और मुझसे रोका नहीं जा रहा था, ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं बार बार, मैं भी थक गया हूँ ये बार बार साफ करते करते। इसे गोप्रो का एंगल भी चेंज होता रहता है हर बार बराबर। ये ग्रीनरी का माहौल कुछ अलग लेवल का है, आपको नज़ारा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। अभी तो एक घंटे का रास्ता और बाकी है, ऑफ रोडिंग चालू हो गया है, यही तो मजा है ये बाइक का, खड़े हो क्या शडलिंग करो, हम करे। अरे बाप रे, भगा गाड़ी, फॉगी हो गया क्या, क्या ये कुछ तो फिल्म, हाँ फिल्म स्टूडियो है कुछ तो, ये मतलब जो हर एक एक्टर है उनके पुतले। हाँ देखो, एनडी फिल्म वर्ल्ड। अभी यहाँ से 35 किलोमीटर समथिंग कुछ दिखा रहा है। अभी बारिश थोड़ा रुक गया है,
हाँ अभी अच्छा रास्ता आया, चलो थोड़ा सा और लंबा चौड़ा रास्ता आने तो फिर हम चालू करते हैं फिर से और डबल स्पीड में कर हम चीरते हुए निकल पड़े आगे की ओर प्रस्थान करते हुए। और एक ए सिंगल है, चल भाई ये हमने उड़ा दिया फिर से और एक बार। अभी ये थोड़ा सा ऑफ रोड एंड देन अच्छा रोड, यही तो व्यू चाहिए था हमें। मुझे ना एक बार चेक करना पड़ेगा, वीडियो में फॉग आ रहा है बहुत बार, अंदर लेंस में आया है मालूम नहीं। व्यू एंजॉय करो गाइस, एक नंबर व्यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। फुल फॉग हो चुका है, हर जगह कोहरा ही कोहरा और बारिश आ रही है जा रही है। मैं थैली डाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ डाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ, बार बार ये पूछना पड़ रहा है क्या करें। तो अभी ये रहा हमारा, ये ना हाँ यही है माथेरान का रोड, क्या से हमें एंट्री लेना है। फुल ऑन घाट सेक्शन, फुल इको से काम चलाना है। मैंने फॉग लाइट तो चालू किया इसलिए आगे वाले को दिखे। कितना बड़ा घाट है कुछ मालूम नहीं है, पर बहुत घाट है, मतलब बहुत ऐसा स्टीफ। इनको कुछ पड़ी नहीं है भाई, आराम से चला रहे गाड़ी ये लोग। भाई मजे ही मजे आ रहे हैं, लगता है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। हाँ ऑलमोस्ट पूरा पहुंच गए। और ये गूगल भाई ने कहा कहते हुए कि आप पहुंच गए हैं लोकेशन पे। भाई बहुत पब्लिक आया है, अरे बहुत पब्लिक आया है।
लगता है सुबह सुबह आना पड़ेगा इधर बाइक की पार्किंग के लिए, तो फिर पहले इधर पार्किंग मिलेगा। तो अभी हम पहुंचे हैं मायरा पॉइंट पे। फुल फॉगी फॉगी हो गया है, वानरों की टोली है इधर भाई, फुल सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, पूरा फॉग है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो फाइनली हमारा माथेरान घूम के हो चुका है, बारिश गिर रहा था, बाकी कुछ घूमा नहीं। थैंक यू, विजिट अगेन, फिर जाएंगे और तब सब एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई हम निकले हैं अभी, चढ़ते समय जो मज़ा आता है ना, उतरते समय उससे डबल मज़ा आता है, पर उतरते समय भाई बहुत ध्यान रखने का। देखो कैसे आ रहे है गाड़ी, बहुत बहुत ज़्यादा ही है, डेंजरस है। और गाड़ी का एक्सीलेटर दो ही मत, तो ही अच्छा है। देखो क्या नज़ारा है, बाप रे, गाड़ी स्लो, जितना स्लो जा सकते उतना जाओ, चलेगा। उधर भी मस्त नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे जब सुबह आए थे तब पूरा फॉग था, अभी फॉग चला गया है, बारिश में भी रुकी है, ऐसा लगता है गाड़ी बंद ही कर दूँ, गाड़ी बंद कर दी है। हाँ गाड़ी बंद कर दी, लिटरली गाड़ी बंद कर दी है, अभी देखते हैं गाड़ी कब तक उतरती है। ऐसा लग रहा है इलेक्ट्रिक का फील आ रहा है मेरे को कि विदाउट एनी पेट्रोल गाड़ी चल रही है, फुल शांति। अरे बाप रे, बहुत ही है, मजा आ गया। अभी छोड़ देना ब्रेक और चल दिए हम। तो भाई स्लिप भी हो सकती है, तो चलिए नीचे मिलते हैं, इसका आनंद लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि गोप्रो से ऑडियो नहीं आया एंड के टाइम, जर्नी के स्टार्ट से एंड तक माथेरान का घाट उतरते समय तक ऑडियो आ रहा था, उसके बाद पूरा ऑडियो चला गया, मालूम नहीं शायद पानी चला गया रहेगा कन्वर्टर में, सो इसीलिए मैं अभी वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो मुझे तो गाइस बहुत मज़ा आ गया इस राइड पर, आपको मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जब मैं न्यू वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू एवरीवन मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।